हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज इस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ, वो है राम आएंगे भजन। और ये बहुत प्यारा भजन होने वाला है क्योंकि ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो ऑब्वियसली अच्छा ही होने वाला है। और जो ये सिंगर हैं वो हैं विशाल मिश्रा एंड पायल देव। तो जल्दी गाना सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आप लोगों को ये भजन अच्छा लगे और आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ऐसे भजन का और रिएक्शन लेके आऊँ, तो मुझे कमेंट करके जरूर सजेस्ट करें। और मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। भगवान करे आप लोगों को सारी खुशियाँ मिले इस दिवाली, आपका घर हरा भरा रहे, हर साल आपकी दिवाली बहुत अच्छी रहे, आपके बच्चे खुश रहे, आपका परिवार खुश रहे, जो आप चाहो सब कुछ मिले। भगवान करे लक्ष्मी का ना ढेर हो जाए आपके घर में, इतने ज़्यादा पैसे बरसे, आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ। तो जी गाने सुनते हैं, जो करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। इस जन्मदिन पर मैं ये फोटो कितना खुश दिख रहा है। 6 साल हो गए, अब तो कल्याणी से बात कर लीजिए। भूषण कुमार प्रोड्यूशन, प्रोड्यूस्ड बाय निर्मला। अभिषेक ने विदेश जाकर हमारी मर्जी के बिना शादी की थी कल्याणी से। हमारा कोई रिश्ता नहीं उस लड़के से। अच्छा, हेलो माँ, माँ फोन मत रखिएगा। मैं इंडिया में हूँ, आपको आपकी अमानत। छोटा अभिषेक देने आ रही हूँ। क्या हुआ है इस दिवाली? छोटा अभिषेक घर आ रहा है। गूज़बम्प खड़े हो गए कसम से। अभी तक तो बेटा वो सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे कुछ समझ न पाए, कहाँ फूल बिछाए, राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे कुछ समझ न पाए, कहाँ फूल बिछाए, राम आएंगे। क्या करोगी इनका? तेरे बेटे को पहनाऊंगी। सर जो जल थल जल थल रोई, जिस दिन राघव हुए पराए, ओ बिरहा के सौ पर्वत पिघले, हे रघुराई तब तुम आए, ये वही क्षण है को दशरथ देख न पाए। वो रानी, मैं जल्दी वापस आऊंगा। सात जन्मों के दुख कट जाएंगे, आज सर झुके तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे पपी है आज गाएंगे, आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए, राम आएंगे। कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे कभी ढोल बजाए, कभी द्वार सजाए, राम आएंगे कुछ समझ न पाए, कहाँ दीप जलाए, राम आएंगे जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे, कौशल्या के लल्ला जी तुम्ही पे सब
लुटाएंगे, 14 साल जो रोके वो आंसू अब बहाएंगे, अवध में राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। नील कमल से सांवले कोट सूर्य साते, नारायण तन आए हैं शेष नाग की से, राघव राघव करते थे युग युग से दिन रात, आज प्रभु ने दर्श दिया धन्य हुए हैं। नतमस्तक है तीन लोक और सुर नर करे प्रणाम, एक चंद्रमा एक सूर्य एक जगत मेरा, एक जगत मेरा, एक जगत मेरा। आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे, कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे, कुछ समझ न पाए का दीप जलाए राम आएंगे। ये तो जी बहुत प्यारा भजन था, बहुत अच्छा था, लिरिक्स बहुत अच्छी थी, जो मतलब ये पूरी वीडियो थी बहुत अच्छा था, गाना बहुत अच्छा था, म्यूज़िक बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लिरिक्स बहुत मतलब गूज़बम खड़े करने वाला ये भजन था। दोस्तों पता है क्या, बंदा ना पैसा इतना वैल्यू नहीं करता, जो त्यौहार होते हैं ना साल में एक बार ही आते हैं, तो भगवान से हमेशा ये दुआ करें कि आपका परिवार हमेशा बना रहे, आपके साथ रहे, आपका परिवार पूरा पूरा रहे, खिलखिलाता रहे, हंसता रहे। सबसे बड़ी ना दुनिया में यही खुशी है कि आपका पति, आपके माँ बाप, आपके बच्चे सब साथ रहें, है ना, सब रहें, कोई दूर ना जाए। ठीक है यार, जाना पड़ता है, मजबूरी होती है, काम के लिए जाना भी पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट त्योहारों पे सब इकट्ठे हो जाएं, अगर आप लोग हो सकते हो तो त्योहारों पे इकट्ठे हो जाएं, कोशिश करें कि मिल के त्यौहार मनाएं, क्योंकि साल में एक ही बार त्यौहार आते हैं, और बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके घर में ना हर साल खुशियों भरे त्यौहार आते हैं। बहुत साल में ना बहुत कुछ चेंज हो जाता है, बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है, आप लोग भी समझ सकते हो, है ना, फैमिली वाले हो आप लोग, एक साल बहुत होता है कुछ भी होने में, है ना, सो सुख दुख बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन एट द एंड बस भगवान से ना सबसे मेन ये प्रार्थना करो कि हमारा परिवार ठीक रहे, खुश रहे, आपके अगर बच्चे, आपके पति या आपके भाई, आपकी बहन, कोई भी अगर परिवार से दूर है कहीं पे, वो ठीक रहें, अगर वो ठीक हैं तो परिवार वाले भी ठीक हैं, है ना। बस जो इंसान है ना आपके घर के, जो आपके परिवार के लोग हैं, वो ठीक रहें, साथ रहें, मेरा तो बस यही मानना है। भगवान से ना पैसा पूसा क्या है यार, पैसा मिल जाता है इतना कि हम लोग खाना खा सके, भूखा नहीं कोई मरता है ना, लेकिन परिवार साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, अपनों के बीच में ही रह के ज़िंदगी का एक जीने का मज़ा है, ऐसे नहीं जिया जाता, लोग तरसते हैं परिवार में आने के लिए। तो पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैं दिल से बोल रही हूँ कि जब भी आप दुआ करें ना भगवान के आगे हाथ जोड़े, बस ये दुआ करें कि हमारे परिवार ठीक रहे, अगर कोई भाई बहन या कोई भी फैमिली में से कोई एक जना बाहर है तो वो भी वहाँ पे ठीक रहे, और जो लोग बाहर है वो कोशिश करें एटलीस्ट त्यौहारों पे अपने घर आ जाएं। इसी के साथ मैं इस भजन को यहीं पे करती हूँ ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, टाटा बाय बाय।